नमस्कार, ट्रैक का जो फर्स्ट डे ओपनिंग हुई ना उसकी अपडेट्स लेकर हाजिर हूँ मैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा है कि विद्युत की फिल्म ने क्रैक ने फर्स्ट डे 4 करोड़ की ओपनिंग ली। अब 4 करोड़ की ओपनिंग ये बहुत कम है क्योंकि यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 साथ में रिलीज हुई थी और उस फिल्म ने पहले दिन 5.75 करोड़ की ओपनिंग ली फर्स्ट डे को। पहली बात तो एक सुपरस्टार था, दूसरी बात एक्शन जोनर था, उस हिसाब से इसे बहुत कलेक्शन करना था क्रैक को, बहुत नहीं तो कम से कम आर्टिकल 370 से तो ज़्यादा ही करना था। एक्शन जोनर के हिसाब से तो कलेक्शन अच्छा खासा ही होना था, लेकिन हो सकता है आगे रफ्तार पकड़े, अभी नहीं हुआ। ओनली 20% की ऑक्यूपेंसी मिली है इसको फर्स्ट डे को। तो कलेक्शन का देखा जाए ना तो पहले ही दिन क्रैक हो गई। एक इंटरेस्टिंग बात यह है, दोनों ही फिल्मों के डायरेक्टर जो है ना वो आदित्य हैं, आर्टिकल 370 के आदित्य धर हैं, इधर आदित्य राजपूत हैं, दोनों फिल्मों के डायरेक्टर आदित्य हैं। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्दे के पीछे। एक्शन फिल्मों, वो भी विद्युत जैसे स्टार की, जो मतलब बॉडी डबल यूज नहीं करता एक्शन करते टाइम, मतलब ये केबल्स वगैरह का यूज नहीं करता, उसके अलावा अपने जितने भी स्टंट्स है ना वो खुद करता है। मेरे कहने का मतलब खतरनाक से खतरनाक स्टंट भी वो बंदा खुद करने के लिए जाना जाता हो, उसकी फिल्म का ऐसा हाल हजम होने लायक बात नहीं है। उनकी फिल्म की ओपनिंग विद्युत, मतलब विद्युत के लिए खराब बात नहीं है, पूरे बॉलीवुड के लिए खराब बात है कि इतनी कम ओपनिंग लगी फर्स्ट डे को। इनके अलावा शायद की मूवी पहले से लगी हुई थी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, उसी का कलेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, 120 करोड़ के पार पहुंच गई वो 14 दिन के अंदर वर्ल्ड वाइड, जबकि उसमें तो शायद ने इतना ताम झाम किया ही नहीं, एक नॉर्मल सी स्टोरी थी वो। तो यहाँ क्रैक में विद्युत ने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या ट्राई नहीं किया, आप लिस्ट देखो। हाथ पैर लात मुक के वो तो चलाते ही हैं, वो तो चलाए उन्होंने। उसके अलावा BMX साइकिलिंग की, रोलर ब्लेडिंग होती है वो की है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है वो किया है, और पार्कर वगैरह जो हर बार वो ट्राई करते हैं वो तो उन्होंने किया ही है। उसके बाद भी नतीजा ये निकला कि जैसे आपका चटनी से अकेले से पेट नहीं भरता ना, थाली में अकेली चटनी हो, तो वैसा ही हाल हुआ है। फिल्म में कंटेंट कम था, स्टोरी सिर्फ बदले जो भाई का बदला होता है उस पर बेस्ड थी, तो पब्लिक ने रिजेक्ट कर दी। आप रिजेक्ट नहीं बोल सकते तो भी इतना तो मान ही सकते हो कि पब्लिक, मतलब जो फैंस है ना, वो भी खुश नहीं है। नॉर्मल ऑडियंस की तो बात ही अलग है अपने जैसों की। इसके बारे में मैंने डिटेल में रिव्यू में बात की है। उसके अलावा अगर मैं रिव्यू की बात करूँ ना तो तेरी बातों में उलझा जिया, उसका मतलब उस फिल्म का रिव्यू इतना अच्छा नहीं आया था, लेकिन उसके बाद भी कलेक्शन उसका अच्छा खासा जा रहा है। आई होप क्रैक में भी ऐसा ही रहे, आगे जाके कलेक्शन हमको अच्छा देखने को मिले। आपका इस पे क्या कहना है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। उसके अलावा अगर आपने क्रैक का अभी तक रिव्यू नहीं देखा है ना तो ऊपर क्लिक करके वीडियो देखें रिव्यू का सबसे पहले, और चैनल सब्सक्राइब करें और करवाएं ताकि आपको ऐसी वीडियोज और रिव्यूज आगे भी मिलते रहें। सबसे इम्पोर्टेंट, सब्सक्राइब करें तो करना। धन्यवाद।